नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करते हैं। बिहार में आरजेडी नेता पर जानलेवा हमला और उनके मां बाप और भाई की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर हत्या का आरोप लगा है। साथ ही नीतीश कुमार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गोपालगंज जाने के दौरान प्रशासन पर रोकने का आरोप लगाया। आरोपी विधायक ने खुद पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में आरजेडी नेता पर जानलेवा हमला और उनके मां बाप और भाई की हत्या पर अब सियासत हो रही है। जेडीयू नेता पर हमला और उनके मां बाप और भाई को मारने का जो विवाद है, उस पर जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, उस पर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने जेडीयू विधायक पर हत्या का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। आरजेडी के प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, ये तस्वीरें भी आपको देखनी जरूरी है। कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमिटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है, तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताएं, पहले तो ये जो ट्रिपल मर्डर केस है इसके बारे में, और अब जो सियासत हो रही है। देखिए, कुछ दिन पहले वहां पे आरजेडी सपोर्टर हैं जेपी यादव, उनके परिवार वालों की ट्रिपल मर्डर, तीन लोगों की हत्या हुई थी। जी। उसके बाद वहां पे जो मुख्य आरोपी बताया गया था अमरिंदर पांडे को, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे साथ भोला यादव हैं, विधायक है आरजेडी के, और लालू यादव और लालू परिवार के काफी करीबी हैं। भोला जी, अब क्या होगा, क्या डिमांड होने जा रहा है आप लोग? देखिए, हम लोगों का एक ही डिमांड है, जो कल्प्रिट जो विधायक है, जिसने इतना बड़ा नरसंहार किया, सभी जात सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को नरसंहार किया है। सिर्फ यादव ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण को भी मारा है, अपने भूमिहार को भी मारा है, दलित को भी मारा है, सभी वर्ग के लोगों को मारा है। ऐसे लोगों को सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहती है? और सरकार उसको संरक्षण क्यों दे रही है? यदि ये कहते हैं हम सुशासन है, तो किस तरह का ये सुशासन है राज्य में? हमको तो लगता है सरकार कहीं ना कहीं साजिश के तहत, एक तरफ लॉकडाउन है, एक तरफ लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं, और दूसरी तरफ ये नरसंहार का सिलसिला चला रही है। अब क्या होगा, क्योंकि प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है? हम लोग सरकार के खिलाफ में प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कर रहे हैं, और सरकार को इंटीमेट कर रहे हैं जो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, प्रतीकात्मक हमारा विरोध जारी रहेगा। क्या आप लोग गोपालगंज जा रहे हैं, अब क्या है, क्योंकि इजाजत तो नहीं मिली, अब क्या आप अपने समर्थकों को कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन हम लोगों को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय जो बिहार विधानसभा है, उनसे गुहार लगाए हैं, जो हम लोगों को संरक्षण दें। हम सभी विधायकों के वो गार्जियन हैं, संरक्षण दें और दिशा निर्देश दें जो हम लोग क्या करें। तो आप लोग अब गोपालगंज नहीं जा रहे हैं? रोक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे भोला यादव है, और आपको कैमरामैन को कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी में तेजस्वी यादव है, साथ में राबड़ी देवी भी है, जो अरे हुई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये लोग गोपालगंज जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया है, और ये लोग जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय चौधरी, उनसे मुलाकात का उन्होंने समय मांगा है, लेकिन यहां से निकलने की इजाजत इनको नहीं है। लिहाजा अब ये लोग कुछ देर में, हो सकता है अगर ये कानून तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद ये पता चल पाएगा कि ये लोग लौटते हैं या फिर अपनी गिरफ्तारी देते हैं।
जी बिल्कुल ब्रिजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर कहना है इनका कि प्रतीक एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो जो ये प्रोटेस्ट है इसमें जिस तरीके से भीड़ जमा हुई है तो यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और यही सवाल हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उपाय लगाया जा रहा है यहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगा तेजस्वी से बात करने की। एक क्या आपको तो जाने नहीं दिया जा रहा है? अपराधियों को छूट है, हम लोगों को छूट नहीं है, जनप्रतिनिधियों को छूट नहीं है। जब तक बिहार में लाशों का ढेर नहीं हो जाता तब तक जो है सरकार जो है हम लोगों को निकलने नहीं देगी। जब तक अनाथ बच्चे नहीं हो जाते, जब तक विधवाएं नहीं हो जाते तब तक हम लोगों को नहीं निकलने दिया जाएगा। गोपालगंज रेड जोन में है, वहाँ विधायक जो है गुंडा विधायक उसके जो है रोड में जुलूस निकालते हैं 1000 बाइक का, तो उनको नहीं रोका जाता है। हम जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, न्याय के लिए लड़ने जा रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, बाकायदा नियम कायदा से सरकार को इंटीमेट करके, तो हमको रोका जा रहा है। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि भाई सरकार जो संरक्षण दे रही है अपराधी को बचाने का। अरे हमको अनुमति क्या हाउस अरेस्ट का है? हाउस अरेस्ट का कागज दिखाओ। फिर COVID-19 का बहाना है तो विशेष अनुमति दिया जा सकता था। आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है विशेष अनुमति? सिर्फ मेरे को दे दे, डेलीगेशन को दे दे, 5 लोग को दे सकती है, तो 5 लोगों की नहीं दे रही है भैया डेलीगेशन। जाएंगे हम, मिलेंगे पीड़ित परिवार से, ऑफिस चालू है प्राइवेट, विधानसभा चालू है, तो हम अपना काम क्यों ना करें? हमारी जिम्मेदारी है ना, लोगों की अपेक्षा है। इस गार्ड में लोग भूख से मरते रहे, गोली से मरते रहे, हम देखते रहे। अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप? हमने देखिए विधानसभा के स्पीकर से बात की है, ऑफिसर को बुलाया, हमको विधानसभा जाने दीजिए, स्पीकर से मिलने दीजिए, ये मेरा अधिकार है। नेता विरोधी दल है, हमारे साथ सारे विधायक हैं, हमारे साथ कमेटी के जो है चेयरमैन हैं, हमको विधानसभा क्यों नहीं जाने दे रहे हो? फिर हम चाहते विशेष सत्र बुलाएं इस मामले में। लॉर्ड के कुछ मंत्रियों का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस महामारी के, लोगों का जान बचे तो अच्छी बात है हम राजनीति कर रहे हैं, लोगों का पेट भरे तो अच्छी बात है हम राजनीति कर रहे हैं। ये निकम्मी सरकार से कुछ हो रहा है ना, करेंगे ना कुछ करने देंगे, ना खिलाएंगे ना खिलवाने देंगे, ना जान बचाएंगे ना बचवाने देंगे, ये स्थिति अपराधियों को परमिशन है। तो ये थे तेजस्वी यादव जी, आपने खुद सुना कि इन्होंने कहा है कि ये लोग गोपालगंज जाने का अभी फिलहाल तो टल गया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पर ये लोग अड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पे जो प्रशासन के साथ इनकी रस्साकसी लगातार चल रही है। जी ब्रिजेश, साफ तौर पर यहाँ जी मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं और हर तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी पूरी है। ब्रिजेश, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अपना दोहराया थी जी ब्रिजेश, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। निजामुद्दीन मरकज के जरिए देश भर में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार मौलाना साद पर अब सीबीआई का भी फंदा कस सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि सीबीआई ने मौलाना साद, तबलीगी जमात और मरकज ट्रस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जानकारी मांगी है। क्राइम ब्रांच ही मौलाना साद केस की जांच कर रहा है। क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को ये तमाम अहम जानकारियां दी है। सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से मरकज केस के साथ साथ मौलाना साद के हवाला कनेक्शन और उसकी संस्था को मिले विदेशी चंदे से जुड़ी जानकारियां मांगी थी। यहां पर अहम बात यह है कि क्राइम ब्रांच पहले ही साद से जुड़ी जानकारी ईडी और इनकम टैक्स विभाग को दे चुका है। ईडी ने तो बाकायदा मौलाना साद के मरकज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया हुआ है और अब जिस तरह से सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से जानकारी मंगवाई है उससे साफ है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी मौलाना साद की कुंडली खंगालने में जुट गई है और आने वाले दिनों में उस पर शिकंजा भी कस सकता है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार मौलाना साद को हर तरफ से घेरने की कोशिश और इसी कड़ी में एक अहम डेवलपमेंट इस वक्त का। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि क्राइम ब्रांच के जो सूत्र हैं उनसे हमारी जो बात हुई है उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले जो सीबीआई की तरफ से कुछ जानकारी मांगी गई थी और मरकज और मौलाना साद के बारे में, तो उसके बाद में उन्होंने
जो जानकारी है वो सीबीआई को दे दी है और जिसमें बहुत सी जानकारी थी, अहम जानकारियां थी वो मांगी गई हैं। यानी साफ तौर से अब इस मामले में, पूरे मामले में जो सीबीआई है उसका भी जो शिकंजा है वो मौलाना साद पर कस सकता है आने वाले समय में। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पूरे मामले में फिलहाल 3 के भीतर जो है 47 चार्जशीट जो है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इसमें दाखिल की है और केस के जो आईओ हैं सतीश कुमार वो लगातार 3 दिनों में उन्होंने दायर की, जिसमें तकरीबन 40,858 पेज की चार्जशीट थी। और इससे पहले भी आपको बताऊं कि ईडी और आईटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी के साथ में जो सीबीआई ने भी जब इस पूरे मामले की इन्फॉर्मेशन मांगी कि आखिरकार में क्या क्या जानकारी है, तो जो सीबीआई के अधिकारी हैं उन्होंने, माफ कीजिएगा, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उन्होंने सीबीआई को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी है और अगर आगे भी कोई जानकारी मांगी जाएगी तो वो उनको दे दी जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।